भाजपा के साथ नीतीश कुमार को जिस गांठ ने जोड़ रखा था वो गांठ खुल गया है। आपको बता दें कि लगातार 2017 में जब दोबारा नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको लेकर के कहा जा रहा था कि अब ये गठबंधन नहीं टूटेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब एक बार रस्सी टूट जाती है तो गांठ पड़ना निश्चित है। इस संबंध में भी उसी तरह का गांठ पड़ गया था और इस गांठ को लगातार कहा जा रहा था कि खुलने की स्थिति में है, कमज़ोर होता जा रहा है और 2020 के चुनाव के बाद तो निश्चित रूप से इस गांठ में कहीं ना कहीं कमजोरी आ गई थी। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह की चर्चा चल रही है और जिस तरह की बातें हो रही हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट से नीतीश कुमार आउट हो गए हैं। भले ही दोनों एक दूसरे के साथ सरकार चला रहे हों लेकिन सामंजस्य का अभाव है और वहीं एक दूसरे पर भरोसा की भी कमी हो गई है। आपको बता दें कि शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और इस कार्यक्रम को लेकर के सबसे पहली जो बात हुई थी वो जदयू के तरफ से हुई थी। पिछली सरकार में ही इसका फैसला हो गया था, इस बात की जानकारी मंच से ही नीतीश कुमार ने दिया था और नीतीश कुमार जब बातें कर रहे थे तो पूरा कॉन्फिडेंस उनके बातों में नहीं आ रहा था। अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने जो बातें हैं वो रखी जरूर, लेकिन जितना कॉन्फिडेंस से रखना चाहिए था वो नहीं रख पाए। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे सरकारी कार्यक्रम से आउट कर दिया था। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन उनकी इस कार्यक्रम में एक नहीं चली। हालांकि एक मुद्दा ऐसा था जिसमें जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया था उस प्रतीक चिन्ह को लेकर के विवाद हुए थे, लेकिन उस विवाद को सलटा लिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात हुई कि ये सरकारी कार्यक्रम सरकार के पैसे से खर्च हुआ और उसके बाद इस पूरे कार्यक्रम को किया गया, लेकिन ललन और कुशवाहा चुपचाप देखते रह गए जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की हर नाकामियों और कमियों को उजागर करते रहते हैं। वहीं उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह गई। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को बिहार सरकार का कार्यक्रम रहते हुए अपना बना लिया, वैसे ही इस कार्यक्रम के साथ नीतीश कुमार को भी आउट कर दिया। न तो कहीं पोस्टर में दिखे, न बैनर में दिखे और न ही जो लोगों को आमंत्रण पत्र दिया गया उसमें नीतीश कुमार की कोई चर्चा थी। इसके साथ साथ बात यहीं तक नहीं है, इसके साथ ही बिहार सरकार के इस कार्यक्रम में जो नियम है जिसको लेकर के सजावट की जाती है या जिस तरह की जो पंडाल बनते हैं उसमें भी पूरी तरह से भगवा रंग छाया हुआ नज़र आया। नीतीश कुमार के चाहते हुए भी कोई भी बात उनके तरफ से नहीं हो सकी और ख़ास करके इस पूरे मामले में ललन सिंह और कुशवाहा मुंह ताकते रहे। इन सारे विषयों को लेकर के एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान बीमा भारती ने सारी बातें रखी हैं और उन्होंने जम करके भारतीय जनता पार्टी के इस एक्ट पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार को पीछे ढकेलने का जो साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी ये कहीं से ठीक नहीं है, इसका जवाब तो दिया जाएगा। बीमा भारती ने और भी कई बातें कही हैं लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई इस बात को देख रहा था, समझ रहा था, लेकिन बीमा भारती ने इसे उठाया और ललन कुशवाहा मुँह ताकते रह गए। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को आउट करके अपना मंसूबा जो है, मंशा जो है वो साफ कर दिया है। अब देखना होगा कि इसके रिएक्शन में क्या नीतीश कुमार को भी वो रास्ता मिल गया है जिससे वो एनडीए से बाहर होकर के कोई नया विकल्प की तलाश करेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ और खबरों के साथ आपसे तुरंत जुड़ते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।